नमस्कार दोस्तों, अर्चना राठौर चैनल में आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। तो चलिए, आज की हमारी रेसिपी है बादाम का मिल्क शेक। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बादाम मिल्क शेक। और आज जो हम बादाम मिल्क शेक बना के रेडी करेंगे वो बहुत ही कम दूध में बहुत ज़्यादा क्रीमी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बादाम का मिल्क शेक बनाना। तो इसके लिए हमें लगेगा बस आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पे आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है, उसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दूध, ठंडा दूध है ये, और अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लावर की वजह से हमारा जो मिल्कशेक है वो गाढ़ा बनेगा, लेकिन याद रखना है बस हमें आधा चम्मच ही कॉर्नफ्लावर लेना है, बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर की आवश्यकता नहीं है। मिक्स करेंगे, ये मिक्स हो चुका है, इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है बादाम। बादाम को मैंने रात को भीगने के लिए रखा था और ये अच्छे से भीग के फूल चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके ऊपर जो छिलका होता है उसको हमें उतार देना है। आप चाहो तो इसके ऊपर का छिलका बिना उतारे भी मिल्कशेक बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो छिलका होता है उसको निकाल दूँगी इस तरीके से। और सारे जो बादाम हैं उसके जो छिलके हैं हम उतार देंगे। मैं यहाँ पे 8 बादाम ली हूँ, लगभग 1 ग्लास में बादाम का मिल्कशेक बनाऊंगी, तो इस हिसाब से 8 ये बादाम है और सारे छिलके मैंने उतार दिए हैं। अब हम मिक्सी का छोटा जार लेंगे और उसमें इस बादाम को डाल देंगे। और ऊपर से हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, आप चाहो तो पानी भी डाल सकते हो, बहुत ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है, लगभग 2 टेबलस्पून। और मिक्सी से चला के इसको पीस लेंगे बहुत ही बारीक। और यहाँ पे ये पेस्ट हमारा रेडी है। तो चलिए अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं। और गैस के ऊपर मैंने 1 ग्लास दूध उबलने के लिए रखा है, लेकिन इसके ऊपर जो मलाई थी उसको निकाल दिया है। अगर आप फ्रेश दूध लेते हो तो मलाई नहीं होती, आप डायरेक्ट भी इसको गैस के ऊपर रख सकते हो। तो इस तरीके से चलाते हुए हमें इसको पकाना है, दूध को उबाल देना है। और दूध जैसे ही उबलेगा उसमें हम डालेंगे बादाम की जो हमने पेस्ट बना के रखी है ना उसको, और चलाते हुए लगभग 3 मिनट हम पका लेंगे। तो 2-3 मिनट इस तरीके से चलाते हुए हमें पकाना है ताकि इसके ऊपर मलाई ना जमे। और यहाँ पे मैंने जो कप में कॉर्नफ्लावर का जो मिल्क बना के रखा था उसको थोड़ा थोड़ा करते हुए इसमें डाल देना है दूध में, और इस तरीके से चलाते हुए हमें डालना है। एक ही बार में सारा कॉर्नफ्लावर का दूध नहीं डालना है, तो थोड़ा थोड़ा करते हुए 2-3 बैच में हम दूध डालेंगे और अच्छे से पका लेंगे लगभग 2-3 मिनट तक। लेकिन चम्मच हमें बीच में इसको इस तरीके से चलाते रहना है ताकि इसके ऊपर मलाई ना जमे। तो लगभग मैंने 2-3 मिनट अच्छे से इसको पका लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे येलो फूड कलर, आप चाहो तो केसर भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास यहाँ पे केसर नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही आधी चुटकी इतना येलो फूड कलर डाला है। और मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम लास्ट में डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी, आप अपने हिसाब से ये चीनी डालिए, आपको जितना मीठा पसंद है। तो 1 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल दी है, मिक्स करेंगे, 1 मिनट पकाएंगे। और 1 मिनट हो चुका है, अब हम गैस को बंद करेंगे और दूध को रूम टेम्परेचर पे लाएंगे। दूध जब रूम टेम्परेचर पर आएगा तो इसको हमें फ्रिज में रखना है। तो चलिए गैस को बंद करते हैं और दूध को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद दूध को हमें फ्रिज में रखना है। दूध को मैंने फ्रिज से निकाल दिया है, लगभग 1 घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रखा था। और इसके ऊपर ये जो मलाई आती है ना इसको हमें निकाल देना है। जब बच्चे ये मिल्कशेक पियेंगे और उनके मुँह में जब मलाई आएगी तो बच्चे इसको पसंद नहीं करते, इसलिए हमने मलाई जो है वो उतार दी है, निकाल दी है। अब हम ग्लास में मिल्कशेक को डाल देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना ज़्यादा गाढ़ा और क्रीमी बन चुका है मिल्कशेक। और बहुत ही आसान तरीके से मैंने मिल्कशेक को रेडी किया है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, करना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए।